गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग तोरु दत्त के द्वारा रचित कविता लोटस पढ़ने वाले हैं। लोटस जो कविता है वो आपके 10th RBSE CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस कविता में एक एक पंक्ति का हिंदी अनुवाद, उसकी इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेनेशन, शब्द प्रसंग व्याख्या भी देखेंगे, साथ ही साथ जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की पोइट्री पर हम लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। द पोइट्री लोटस बाय कंपोज बाय तोरु दत्त इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। ये कविता जो है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की विक्ट्री, जीत के बारे में है, ओवर द वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता के ऊपर भारत की संस्कृति की जीत, यानी किस प्रकार से भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ है, उसी के बारे में वर्णन करने का इस कविता के माध्यम से तोरु दत्त ने प्रयास किया है। द लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर। इस पोइट्री में जो लोटस है, लोटस मीन्स कमल का फूल, कमल का फूल जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में यूज लिया गया है। एंड देर आर ऑल्सो मैंशन ऑफ टू अदर फ्लावर्स इन दिस पोइट्री। इस कविता में दो और फूलों के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं और उनके सुंदरता को लेकर के बहस भी इसमें लंबी चौड़ी की गई है। तो वो जो है दो पुष्प कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ रोज, पहला जो है वो रोज है, गुलाब का फूल, और सेकेंड वन इज़ द लिली, और लिली का पुष्प है कुमोदनी का जो पुष्प है। इन दोनों पुष्पों की सुंदरता और श्रेष्ठता के बारे में विचार करके आखिर में तोरु दत्त इस बात का निर्णय करती है कि सबसे श्रेष्ठ जो पुष्प है वो है लोटस। तो लोटस जो है वो किस भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस कविता में यूज लिया गया है। इसके अलावा लिली और रोज जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के रूप में यूज लिए गए हैं। तो किस प्रकार से भारतीय संस्कृति सभ्यता विश्व की अन्य सभ्यताओं संस्कृति से श्रेष्ठ है, उसी के बारे में तोरु दत्त अपने विचार व्यक्त करती है। और निस्संदेह भारतीय संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, तभी तो मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है, यूनानो मिश्र रोमा मिट गए जब शाह से, लेकिन कुछ बात है ऐसी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है जो बहुत सी बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी ये अटल, अडिग और अपरिवर्तित रही है। तभी तो कहा है, इस धरती पर सकहूण मिटे गजनी गौरी और अब्दाली, पश्चिम की लहरें लौट गई लेके अपनी झोली खाली। यानी बहुत सी पाश्चात्य संस्कृतियाँ जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया, लेकिन उनका खुद का अस्तित्व मिट गया, लेकिन भारतीय संस्कृति पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की अपनी तोरु दत्त की ये सुंदर सी कविता, जो फूलों के बारे में वर्णन करते हुए इनडायरेक्टली मुख्य रूप से जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में वर्णन करती हुई कविता प्रारंभ करते हैं। द पोएट्री लोटस कंपोज बाय तोरु दत्त इज अ स्मॉल पोम कॉल्ड सॉनेट। ये एक छोटी सी कविता है, इसको सोनेट कहते हैं। सोनेट ये कवि कविता का एक रूप है जिसमें 14 पंक्तियाँ होती है। छोटी सी कविता होती है 14 लाइन की, इसके दो भाग होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट जो है आपके 6 लाइन का होता है। तो द लोटस हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर दैट विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडिस। द लोटस, लोटस कमल का जो पुष्प हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडिस। ये भारतीय पौराणिक कथाओं में, संस्कृति में कमल के पुष्प को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये भारतीय देवी और देवताओं का पसंदीदा पुष्प माना जाता है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडिस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु और जो देवी लक्ष्मी है कमल के पुष्प को अत्यधिक पसंद करती है। फॉर तोरु दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड अपियरेंस। तोरु दत्त के हिसाब से लोटस जो है वो परफेक्ट फ्लावर है, सबसे अच्छा जो है पुष्प माना जा सकता है दोनों लिहाज से। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इसके रंग के हिसाब से भी, एंड इट्स अपियरेंस, और इसकी सुंदरता के हिसाब से भी, यानी किस प्रकार से दिखता है, दोनों मायने में ये पुष्प जो है अन्य पुष्पों की तुलना में श्रेष्ठ है। द पोएट डिस्क्राइब्स द डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये जो है द पोएट डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है कवि, वर्णन करती है कवित्री डिस्प्यूट, इस झगड़े के बारे में, अमंग फ्लावर्स फूलों के आपसी जो है झगड़े के बारे में वर्णन करती है एक
ब्यूटी कॉन्टेस्ट के मैनर के रूप में जिसको देखा जा सकता है कि भाई एक प्रकार से उनके बीच में इस प्रकार की एक प्रतियोगिता हो रही हो कि सुंदरता के मामले में, अच्छे के मामले, अच्छे पुष्प के मामले में श्रेष्ठ कौन है। द रोज एंड लिली आर द राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। और वो मुकाबला किन दो पुष्पों के बीच में चल रहा है, रोज गुलाब के और कुमोदनी लिली का जो पुष्प है, इन दोनों के बीच में अब श्रेष्ठता की होड़ चल रही है। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, अब इसमें जो है रोमन, रोम की पौराणिक जो है संस्कृति के अनुसार जो देवी देवता है उनका उल्लेख किया गया है, पुष्प की जो देवी है यानी वसंत की देवी कह सकते हैं, फूलों की जो देवी है वो रोमन पौराणिक कथाओं में फ्लोरा मानी जाती हैं। जैसे अपने वसंत की देवी माँ शारदे मानी जाती है, वैसे के वैसे वनस्पति फूलों की जो देवी है रोमन संस्कृति में वो माने जाते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा जो है, द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स चूज द लोटस एज द फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। और जो देवता थे कौन, लव के देवता, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता रोमन संस्कृति में क्यूपिड माने जाते हैं। क्यूपिड जो प्रेम के देवता है वो फूलों की देवी जो फ्लोरा है उनसे श्रेष्ठ फूल जो है निर्माण करने के लिए कहते हैं। तो आखिरकार में जो है गॉडेस फ्लोरा जो है वो लोटस के पुष्प को चुनती है। उसमें दोनों पहले बहस किस बात को लेकर चल रही थी कि भाई रोज श्रेष्ठ है या लिली श्रेष्ठ है, लेकिन आखिरकार श्रेष्ठ जो है वो लोटस माना जाता है क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली, कुमुदिनी के पुष्प की जो है वाइटनेस है वो उसमें उसके गुण हैं कलर के हिसाब से, और कलर के हिसाब से ही रेडनेस जो है लालिमा जो है ऑफ द रोज, गुलाब के पुष्प की जो रेडनेस है वो इसमें है, दोनों शामिल है इसमें। ये जो सुंदर सा पुष्प है वो है आपके लोटस का है, कमल का पुष्प है। तो इसमें दोनों गुण है, सफेदी जो है वो वाइटनेस जो है वो उससे ली हुई है लिली से, और जो लालिमा है लालपन जो है वो उससे रोज से। सो नाइदर द रोज नॉर द लिली कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इस प्रकार से आखिर में यही निर्णय होता है कि नो वन कैन बी कंपेयर्ड विद द ब्यूटी ऑफ द लोटस। सुंदरता जो है पुष्प की सुंदरता इस लोटस की सुंदरता के सामने कोई भी अन्य पुष्प उसके मुकाबले में नहीं है। बेसिकली मूल रूप से सिंबलिकली प्रतीकात्मक रूप से द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। मुख्य रूप से कविता का भाव यह है कि इट्स द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न कल्चर। भारतीय संस्कृति की विजय है किसके ऊपर, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विश्व के ऊपर भारतीय संस्कृति की सुंदरता जो है वो किस प्रकार से उसके ऊपर हावी होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। लोटस हियर रिप्रेजेंट द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के प्रतीक के तौर पर लोटस को लोटस रिप्रेजेंट करा है भारतीय संस्कृति को। एंड रोज एंड लिली आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, और रोज और लिली जो है वो पाश्चात्य या जो बाहरी देशों के पुष्प हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेस्टर्न कल्चर, वे पाश्चात्य संस्कृति के प्रतीक के तौर पर। तो आप लोग समझ गए होंगे इस कविता का मूल भाव क्या है, पुष्पों के बीच में सुंदरता को लेकर के कंपैरिजन हो रहा है। वास्तविकता का भाव यह है कि कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है इस मामले में। चलिए देखते हैं व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोइट्री, इस कविता के मूल जो है बिंदुओं को उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, किस किस बारे में जो है अलग अलग स्टैंजाज में जो है विचार व्यक्त किए गए हैं। द गॉड ऑफ लव क्यूपिड आस्क द गॉडेस ऑफ फ्लावर टू क्रिएट अ यूनिक फ्लावर दैट मे बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इस कविता की शुरुआत में जो क्यूपिड है, अब अलग अलग जो है देवी देवताओं का जिक्र किया जाएगा, सारे के सारे रोमन पौराणिक जो है संस्कृति के अनुसार है, क्यूपिड जो है वो प्रेम के देवता के रूप में वर्णित किए गए हैं। क्यूपिड प्रेम के देवता, जैसे अपने यहाँ प्रेम के देवता कामदेव माने जाते हैं वैसे उनके क्यूपिड हैं। तो प्रेम के देवता जो है वो किनको, फ्लावर्स की देवी, फूलों की देवी, मैंने अभी बताया था फ्लोरा, उनसे जो है इस प्रकार के जो है यूनिक एक अनूठे सबसे अच्छे जो है पुष्प का निर्माण करने के लिए कहते हैं। दैट मे बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स, जिसको फूलों की रानी घोषित या फूलों में श्रेष्ठ घोषित किया जा सके। इसके बाद क्या होता है, देयर इज कंपेरिजन बिटवीन या डिस्प्यूट बिटवीन द ब्यूटी ऑफ टू फ्लावर्स, दो फूलों की सुंदरता के बारे में, कौन श्रेष्ठता के बारे में जो है डिस्प्यूट चलता है। फर्स्ट वन इज रोज एंड सेकेंड वन इज लिली, हैव बीन राइवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं लंबे समय से। पोइट्स हैव संग सॉन्ग्स फॉर बोथ ऑफ देम,
कवियों ने भी जो है इनकी सुंदरता के बारे में बहुत सी ऐसी रचनाएं, काव्य रचनाएं की है। इवन द फ्लावर्स वर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, ईच क्लाइमिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द वन और द अदर। अब इस मामले में भी कौन सा श्रेष्ठ है, रोज श्रेष्ठ है या लिली श्रेष्ठ है, यानी गुलाब श्रेष्ठ है या कुमुदिनी श्रेष्ठ है, इस मुद्दे को लेकर के जो है दो हिस्सों में जो है ये कवि लोग भी बटे हुए हैं। यहाँ तक कि फूलों को भी दो ग्रुपों में बांट दिया गया है। दोनों में से दोनों ग्रुप इस बात का दावा करते हैं, क्लेम क्लेम यानी दावा करना, कि श्रेष्ठता के बारे में अपना दावा करते रहते हैं। फिर देखिए, आफ्टर मच कन्फ्यूजन एंड थिंकिंग द गॉड ऑफ लव आस्क्ड फ्लोरा टू क्रिएट अ फ्लावर दैट मे हैव द कलर एंड ब्यूटी बोथ द रोज एंड लिली। आखिरकार जो प्रेम के देवता है क्यूपिड, वो फूलों की देवी फ्लोरा से कहते हैं कि ऐसे फूल का निर्माण किया जाए जो रंग के मामले में भी और सुंदरता के मामले में दोनों के गुण उसमें शामिल हो, रोज के और लिली के। और फाइनली फ्लोरा क्रिएटेड द लोटस दैट एज इट हैज़ द ब्यूटी ऑफ द रोज एंड ग्रेस ऑफ लिली। आखिरकार वो ऐसे फूल का निर्माण करती है, कौन से फूल का, लोटस का, जिसमें दोनों गुण हैं, ब्यूटी ऑफ द रोज, रोज की यानी गुलाब की सुंदरता शिथिलता उसमें है, एंड ग्रेस यानी अभिमान कह सकते हैं, शानो शौकत है लिली की उसमें शामिल है। अनडाउटेड द लोटस वॉज एक्सेप्टेड एज द क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स। और आखिरकार जो है किसको चुन लिया जाता है फूलों में, फूलों की रानी या श्रेष्ठ फूल किसे चुन लिया जाता है, लोटस को। यह है कविता के मूल भाव। चलिए अब हम लोग जो है पोइट्री के अलग अलग स्टैंजास को उसके हिंदी अनुवाद के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। लव, लव हियर मीन्स द गॉड ऑफ लव। कौन है, क्यूपिड, शाबाश। लव केम टू फ्लोरा, लव यानी प्रेम के देवता, केम टू यानी आए टू फ्लोरा, फ्लोरा कौन है, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी। प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आते हैं, दोनों कौन से, रोमन जो है संस्कृति के पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता हैं, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और आकर के क्या कहते हैं उनसे, ऐसे फूल के बारे में पूछते हैं, आस्क पूछना या फॉर अ फ्लावर, ऐसे फ्लावर यानी फूल के बारे में पूछते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी आकर के पूछते हैं, दैट वुड बी, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों का होगा, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट यानी क्या होता है, विवाद, अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, क्वीन, ऐसे फूल के बारे में पूछते हैं प्रेम के देवता क्यूपिड आकर के फ्लोरा से, फूलों की देवी से, कि सबसे श्रेष्ठ फूल कौन है जिसको फूलों की रानी घोषित किया जा सके। द लिली एंड द रोज, अब कंपेरिजन किन के बीच में होगा, शुरुआत में लिली कुमोदनी के और रोज गुलाब के फूल के बीच में। Long, long had been rivals for that high honor. Long, long, लंबे लंबे समय तक वे बने हुए हैं rivals, rivals यानी प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, शत्रु बने हुए हैं इस मामले में, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, for that high honor, for that high honor, यहाँ high honor किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, श्रेष्ठता के लिए, कि इसमें मामले में जो है श्रेष्ठता का सम्मान किसको प्राप्त होगा। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट्री टोरुदत्त इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ कन्वर्जेशन बिटवीन द क्यूपिड गॉड ऑफ लव एंड फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर। ये शुरुआती तौर में ही जो है प्रेम के देवता जो क्यूपिड है वो फूलों की देवी फ्लोरा से जो है ऐसे फूल की मांग करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिसको फूलों का देवता घोषित किया जा सके। तो वो शुरुआत में बताता है कि साथ साथ किस प्रकार से देयर वॉज राइवलरी बिटवीन द लिली एंड द रोज, कुमुदनी और रोज के बीच में इस मामले को लेकर प्रतिद्वंदिता है। तो द गॉड ऑफ लव क्यूपिड अर्जिज, वो मांग करते हैं टू द गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा टू क्रिएट अ मैचलेस फ्लावर। किस बात की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, टू क्रिएट, वो उनको बनाने के लिए कहते हैं, टू क्रिएट अ मैचलेस फ्लावर, एक ऐसे फूल को बनाने के लिए कहते हैं जिसकी तुलना में कोई सामने खड़ा ना हो सके। इट मे बी एक्सेप्टेड एज द क्वीन ऑफ फ्लावर, जिसको फूलों में श्रेष्ठ या फूलों की रानी के रूप में स्वीकार किया जा सके। ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है, जो किस प्रकार से प्रेम के देवता उसके पास जाते हैं, ये भी मैंने बोल भी दी है, फिर भी एक बार वापस पढ़ लेते हैं। द गॉड ऑफ लव क्यूपिड कम्स टू फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, वो उनके पास में आते हैं प्रेम के देवता, प्रेम की सॉरी फूलों की देवी के पास में। ही रिक्वेस्ट फ्लोरा टू क्रिएट अ यूनिक एंड मैचलेस फ्लावर, सच अ फ्लावर मस्ट क्वालिफाई फॉर बीइंग द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल द फ्लावर्स। वो
ऐसे जो है पुष्प को चुनने के लिए, निर्माण करने के लिए कहते हैं जो निर्विवाद रूप से सब फूलों में श्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज फॉर अ लॉन्ग टाइम द लिली एंड द रोज हैव बीन टू ग्रेट राइवल्स फॉर दैट ऑनर। लंबे समय तक जो है लिली और रोज के बीच में इसको लेकर के कंपैरिजन जो है वो चल रहा है, राइवलरी चल रही है। ईच ऑफ देम हैज़ बीन क्लेमिंग फॉर दैट ऑनर, दोनों जो है इस सम्मान के लिए कि फूलों में श्रेष्ठ कौन है, इस को लेकर के उनके बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही है। द पोइट्स एंड बार्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इन दिस इश्यू, इसमें इस मामले को लेकर के अगले हम लोग स्टैंजा में देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। दे हैव बीन सिंगिंग एंड राइटिंग द प्रेजेज बोथ ऑफ देम, उन दोनों की किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइट्री तोरुदत्त इज डिस्क्राइबिंग, या तोरुदत्त इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कन्वर्जेशन बिटवीन द गॉड ऑफ लव क्यूपिड एंड द गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा। नेक्स्ट स्टैंजा, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर हियर रिपोर्ट्स टू द पोइट, उन कवियों के लिए हैं जो प्रकृति प्रेमी कवि हैं, यानी पुष्प के बारे में, प्रकृति के बारे में वर्णन करने वाले जितने भी कवि हैं। तो दे हैड संग देयर क्लैम्स, उन्होंने अपने जो है काव्य रचनाओं में इस बात का दावा किया है, उनकी शोभा में, उनकी प्रशंसा में वो गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं, द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन। वो एक पहले जो है कुछ कवि ऐसे हैं जो है द पोइट्स टू हैव हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, कवि भी जो है दो ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। ये पहला ग्रुप वो है जो लिली की प्रशंसा करता है, द रोज कैन नेवर टॉवर, टॉवर लाइक, टॉवर टॉवर यानी होता है या जैसे ऊंचा, यानी अभिमान में खड़ा होना, ऊंचा सर उठा करके खड़ा होना, यानी लंबा जो है ऊंचा सर उठा करके खड़ा नहीं हो सकता। लाइक लाइक यानी के जैसे, द पेल, पेल मीन्स क्या होता है, येलोविश, पीलापन, लिली, लिली के समान, कुमोदनी के समान अभिमान से अपना सर ऊपर उठा करके रोज खड़ा नहीं हो सकता। विथ हर जूनो मीन, विथ हर जूनो मीन, जूनो जूनो मीन्स क्या होता है, एक रोमन पौराणिक जो है देवी है जो एकदम सुंदर ढंग से खड़े होने के लिए प्रसिद्ध है, यानी जूनो जो है सुंदर ढंग से एकदम अभिमान से खड़े होने की जो देवी है रोम की, उसको जूनो कहते हैं। मीन, मीन यानी होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स क्या होता है, दिखने में सुंदर, मतलब बहुत अत्यधिक जो है बहुत सुंदर तरीके से खड़े हुए दिखती है वो जूनो जो देवी है, उसके समान ही लिली जो है वो सर उठा करके खड़ा होता है, रोज ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कौन कहता है, एक ग्रुप कहता है, दूसरा ग्रुप क्या कहता है, बट इज़ द लिली लवलियर, वो लोग कहते हैं तो क्या जो है लिली रोज से सुंदर है, नहीं, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इस बात को लेकर के। दज इस प्रकार से बिटवीन यानी बीच में फ्लावर फैक्शंस, दो ग्रुप बने हुए हैं, दो जो है गुट अलग अलग जो है बन चुके हैं। रैंग द स्ट्राइफ, रैंग वो इसी बात के बारे में जो है विवाद करते रहते हैं। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ यानी क्या होता है, क्वाल, झगड़ना या विवाद करना। इन साइकीज बॉव, साइकी, साइकी जो है वो रोमन जो है पौराणिक कथाओं में प्रेम के जो देवता है क्यूपिड है, उनकी प्रेमिका मानी जाती है। तो साइकिड बॉवर यानी साइकी का जो उद्यान है, बॉवर, बॉवर यानी कुंज होता है, यानी छायादार जो जगह होती है, तो ये लोग जो है इस बात को लेकर के वाद विवाद करते रहते हैं। स्ट्राइप यानी वाद विवाद झगड़ना, साइक, साइक यानी जो प्रेम के देवता क्यूपिड है उनकी प्रेमिका मानी जाती है, ये भी देवी मानी जाती है। और उस साइकी के बॉवर यानी उद्यान में खड़े होकर के वे लोग इस बात को लेकर के झगड़ा करते हैं कि देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ द पोइट्स, दो अलग अलग कवियों के और फूलों के गुट के बीच में जो है डिस्प्यूट है, विवाद है, हु इज सुपीरियर, कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, लिली श्रेष्ठ है या रोज श्रेष्ठ है। तो फ्लावर लविंग पोइट्स वर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, पुष्पों से, प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि दो गुटों में बटे हुए हैं। वन फैक्शन और ग्रुप इज इन फेवर ऑफ द रोज फ्लावर वाइल द अदर इज इन फेवर ऑफ द लिली, उनमें से एक ग्रुप फेवर पक्ष में है, रोज के पक्ष में, और दूसरा ग्रुप जो है वो लिली के पक्ष में है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में देखी थी, वापस देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ द रोज एंड द ग्रेस ऑफ द लिली, सुंदरता, उन दोनों की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है, रोज की और लिली की। पोइट्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ द रेड रोज, पोइट्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, कवि लोग भी जो है दो ग्रुपों में बटे हुए हैं, दो गुटों में, एंड दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग, वे लोग
सॉन्ग गीत गाते हैं प्रेजिंग प्रशंसा करते हुए द ब्यूटी ऑफ द रेड रोज, सुंदर जो लाल गुलाब है उसकी प्रशंसा करते हैं। इट्स कलर एंड ब्यूटी फैसिनेट ऑल, इसका जो गुलाब है उसका रंग और इसकी सुंदरता फैसिनेट यानी अट्रैक्ट आकर्षित करती है लोगों को। हाउएवर और कुछ लोग ऐसे हैं, सम ऑफ द कंटेंट्स द रोज कैन नॉट हैव द टॉवरिंग ब्यूटी एंड द ग्रेस ऑफ द लिली, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं जो गुलाब है वो लिली के समान कैन नॉट टॉवरिंग सीधा खड़ा अभिमान से खड़ा नहीं हो सकता, सुंदरता से और शानो शौकत से लिली के समान इसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। द पेल कलर्ड लिली लुक्स लाइक द चार्मिंग फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी जूनो, और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो लिली है जो पेल थोड़ा सा पीलापन लिए हुए पुष्प है, इट लुक्स लाइक द चार्मिंग आकर्षक चेहरे के समान लगता है जो प्रेम के देवता जो क्यूपिड है उसकी प्रेमिका जो जूनो है उसकी सुंदरता के समान ये जो लिली है वो अत्यधिक आकर्षक और चार्मिंग आकर्षक लगता है। तो इन द सेकेंड स्टैंजा देयर इज कंपेरिजन बिटवीन द ब्यूटी ऑफ द रोज एंड द लिली, रोज और लिली पुष्प की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। और देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ द पोएट्स, दो कवियों के अलग अलग दो गुटों के बीच में इस बात को लेकर के डिस्प्यूट वाद विवाद है कि हु इज मोर ब्यूटिफुल, यानी चित्र इन दोनों से एक दूसरे से जो है ज़्यादा सुंदर कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, अभी हम लोगों ने इन दोनों की जो है विशेषता के बारे में देखा, तो वो जो है द गॉड ऑफ लव क्यूपिड आस्क टू द गॉडेस ऑफ द फ्लावर फ्लोरा टू गिव अ फ्लावर विच इज डिलीशियस एज द रोज एंड स्टैंड स्टेटली एज द लिली, वो ऐसे पुष्प की मांग करता है, वो कहता है गिव मी, मुझे दीजिए, कौन बोल रहे हैं इसमें, लव गॉड ऑफ लव बोल रहे हैं, कौन क्यूपिड, क्यूपिड बोल रहे हैं किन से, फ्लोरा से, वो कहते हैं गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए डिलीशियस एज द रोज, डिलीशियस डिलीशियस यानी मधुरता सुंदरता, मधुरता और सुंदरता लिए हुए, या स्वादिष्ट के अर्थ में नहीं है, मतलब मधुरता जिसमें जो है मीठापन मिठास हो यानी सुंदरता रूपी जो है मिठास है वो उसमें हो, एज द रोज, रोज गुलाब के समान अच्छा सुंदर जो है पुष्प हो, और दोनों गुणों इसमें, एंड स्टेटली स्टेट स्टेटली यानी एकदम सीधा खड़ा रहने वाला, एज द लिली, लिली के समान एकदम सीधा तन करके खड़ा रहे इन हर प्राइड अपने अभिमान में, यानी ही डिमांड्स अ पुष्प विच हैव बोथ द क्वालिटीज ऑफ द रोज एंड द लिली, ऐसे पुष्प की मांग करते हैं जिसमें दोनों के गुण हो, रोज के भी हो और लिली के भी हो, बट ऑफ व्हाट कलर, अब ये बात तो कह दी, अब विचार इस बात को लेकर के हैं व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द दैट फ्लावर, उस फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, बट ऑफ व्हाट कलर, कैसे कलर का बनाए, रंग का, रोज रेड, रोज के समान लाल कलर का, गुलाब के जैसे एकदम लाल, लव फर्स्ट चोज, लव लव हियर मीन्स क्यूपिड, प्रेम के देवता ने पहले चुना, अब उनसे पूछा, किसने पूछा, फ्लोरा ने पूछा कि भाई कौन से कलर का बनाऊं, तब उन्होंने कहा कि गुलाब जैसा एकदम लाल बना दो, फर्स्ट चोज, पहले तो उन्होंने कहा गुलाब जैसा लाल बनाओ, देन प्रेड, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं आप देवी ऐसा मत कीजिए, वो फिर पलट के उनसे प्रार्थना करते हैं नो लिली वाइट, लिली के जैसा सफ़ेद बनाओ, दोनों के गुण जो है वो चाहता है, एक तो जो है वो चाहते हैं कि लाल हो एकदम गुलाब जैसा, फिर बाद में वो मन फेर देते हैं, फिर कहते हैं लिली जैसा सफ़ेद हो, और फिर लास्ट में कहते हैं और बोथ प्रोवाइड, प्रोवाइड इन उपलब्ध करवाना, दोनों ही उपलब्ध करवा दो। तो इन दिस स्टैंजा तोरुदत्त इज डिस्क्राइबिंग द डिज़ायर ऑफ क्यूपिड, डिज़ायर ऑफ लव, डिज़ायर ऑफ लव हियर मीन्स डिज़ायर ऑफ द गॉड ऑफ लव क्यूपिड, डिज़ायर यानी इच्छा कामना के बारे में वर्णन करते हैं, टू गेट सच ए लवली एंड स्पेशल फ्लावर, एक अच्छे दिख सुंदर और प्यारे जो है विशेष फूल के बारे में वो जो है डिमांड करते हैं, विच हैव द ब्यूटी ऑफ बोथ द फ्लावर्स, जिसमें दोनों की सुंदरता हो, दोनों कौन, रोज एंड लिली, रोज और लिली दोनों की सुंदरता हो, ऐसे फूल के निर्माण की डिमांड करता है, करते हैं कौन, प्रेम के देवता क्यूपिड, किन से, फ्लोरा फूलों की देवी से। तो टू फ्लावर फैक्शंस, दो जो है फ्लावर फूलों के समूह के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, इवन फ्लावर्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, वन ग्रुप
एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रोज, अनदर ग्रुप एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द लिली। ये अभी पहले आ ही गया है, दोनों जो है अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, एक रोज का एक लिली का। दे स्टार्ट क्वालिंग इन द समर गार्डन ऑफ द गॉडेस साइक, गॉड ऑफ लव, प्रेम की देवी, प्रेम के जो देवता हैं उनकी जो प्रेमिका है साइक, उसके बगीचे में वो दोनों जो है गुड, इस बात को लेकर के जो है बहस भी करते हैं। क्यूपिड आस्क फ्लोरा टू गिव अ फ्लावर एज डिलीशियस एज द रोज। उसके बाद जो क्यूपिड है वो उनसे, प्रेम के जो देवता है फूलों की देवी फ्लोरा से, ऐसे फूल के बारे में डिमांड करते हैं जो गुलाब जैसा सुंदर अच्छा हो। देन ही चेंजेस हिज माइंड, ही प्रेज दैट शी शुड क्रिएट अ फ्लावर एज ग्रेसफुल एज द वाइट फ्लावर ऑफ लिली। उसके बाद कहते हैं लिली के जैसा ऐसा सफ़ेद पुष्प बनाओ जो गर्व से अभिमान से तन करके खड़ा रहे। और इन द एंड ही करेक्ट्स हिमसेल्फ, आखिरकार वो अपना निर्णय बदलते हैं। ही आस्क फ्लोरा टू क्रिएट अ यूनिक फ्लावर दैट मैन कंबाइन द रेडनेस ऑफ रोज एंड द वाइट ग्रेस ऑफ द लिली, मैंने मे है, जिसमें दोनों के गुण शामिल हो, ऐसे यूनिक पुष्प यानी अनोखे फूल बनाने का उनसे अनुरोध करते हैं जिसमें रेडनेस हो रोज की और वाइटनेस हो लिली की। ठीक है, एंड इन द एंड ऑफ द पोइट्री द फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर गैव एंड फ्लोरा गैव, फ्लोरा ने आखिरकार दिया, क्या दिया, द लोटस, उन प्रेम के देवता को कौन सा फूल बना के पकड़ा दिया, लोटस का फूल बना करके पकड़ा दिया। लोटस मीन्स कमल का फूल, रोज रेड, दोनों गुण है कमल के, इसमें जो है कमल के फूल में रोज रेड लालिमा लिए हुए भी है, रोज रेड राइड लाल कलर से रंगा हुआ, एंड लिली वाइट और लिली के समान थोड़ी सी सफेदी भी। द क्विनलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, क्वीन, क्वीन से बनाए क्विनलियस्ट, क्विनलियस्ट हियर मीन्स क्या हो गया, क्वीन, क्वीन यानी रानी यानी श्रेष्ठ, क्विनलियस्ट का यहाँ तात्पर्य हो गया, क्विनलियस्ट फ्लावर का तात्पर्य हो गया फूलों में सबसे श्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ जो फूल है वो निर्माण कर दिया। दैट ब्लोज, दैट ब्लोजम, ब्लोजम यानी जो खिलता है। तो इन द फाइनल टू लाइन्स ऑफ द पोएट्री द पोइटिस तोरुदत्त इज डिस्क्राइबिंग हाउ फाइनली द गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा क्रिएटेड द फ्लावर लोटस विच इज द बेस्ट फ्लावर। आखिरकार जो है वो फ्लोरा फूलों की देवी है, ऐसे पुष्प का निर्माण करती है लोटस का, कमल के पुष्प का, विच हैव बोथ द क्वालिफिकेशन क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली, जिसमें दोनों के गुण हैं रोज के भी और लिली के भी। ठीक है, तो दीज लाइन्स आर अबाउट द स्पेशल फ्लावर, एक विशेष फूल लोटस के बारे में है, विच द फ्लोरा क्रिएटेड फॉर लव, जो फ्लोरा फूलों की देवी है वो किसके लिए निर्मित करती है, प्रेम के देवता क्यूपिड के लिए। फ्लोरा क्रिएट्स ए यूनिक फ्लावर लोटस, इन द एंड फ्लोरा रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, आखिरकार जो है फ्लोरा उस समस्या का, उस विवाद का अंत कर देती है, समाधान कर देती है। सी डज क्रिएट अ यूनिक फ्लावर, वो आखिरकार में एक अनोखे पुष्प का निर्माण करती है। द फ्लावर इज नेम्ड द लोटस, और उस पुष्प का नाम होता है द लोटस, द यूनिक फ्लावर द लोटस, लोटस सॉरी यहाँ द यूनिक फ्लावर लोटस कंबाइंस द रेडनेस ऑफ द रोज, उसमें दोनों गुण हैं गुलाब के जैसी लालिमा है, एंड ब्यूटी ऑफ द लिली और सुंदरता है कुमुदिनी के पुष्प की। इट इज अनडिस्प्यूटेडली द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, और आखिरकार निर्विवाद रूप से लोटस इज चॉज एज द क्वीन ऑफ द फ्लावर्स, और आखिरकार उसका जो है चयन फूलों के देवी या फूलों में जो श्रेष्ठ है रानी है फूलों सर्वश्रेष्ठ फूल के रूप में लोटस का चयन कर लिया जाता है। Thus, through this poetry, Torudat is describing how the Indian culture is superior over the Western culture. वो वर्णन करते हैं किस प्रकार से भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ है। चलिए, ये पोइट्री आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप इसको देखिएगा, और अन्य जो है अपडेट्स के लिए आप अपने इस चैनल के साथ बने रहिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।